और अंगुष्ट परिवार परमात्मा के हृदय में ध्यान करते हैं और ऐसे योग समाधि के द्वारा चित्त जो एकाग्र करके ब्रह्मलोक तक जाते हैं और वहां जाकर के नित्य सिद्धि चमत्कार को प्राप्त करते हैं। हनुमा महिमा महिमा आदि परंतु इसके द्वारा कदापि उनके हृदय में शांति नहीं होती। बहुत से लोग ज्ञान साधना के द्वारा ब्रह्मलोक की प्राप्ति भी कर लेते हैं परंतु वहां जाकर के निर्विशेष ब्रह्म में पड़ गए। इसलिए जीव संसार से निकलने के लिए बहुत प्रयास करते और बहुत से लोग कर्म मार्ग में कर्म योग का अवलंबन करते हैं परंतु हे माता इस संसार में आकर के कर्म करते करते जीव चाहते हैं इस कर्म बंधन से निकलने को परंतु निकल नहीं पाता। यदि जीव कोई सत्कर्म करता पुण्य कर्म करता है निष्पाप इस प्रकार के कर्मों को करते हैं तो अंत में चंद्रलोक तक पहुंचते हैं और अधिक पुण्य हो तो स्वर्गलोक तक जाते हैं परंतु उस स्वर्ग सुख को और चंद्रलोक में दिव्य सुख को भोगते हुए फिर वहां से निकल के चले आते और जो व्यक्ति इस संसार में आकर के केवल विषयों में चित्त लगाए और भोगों में आसक्त रहे अन्याय पूर्वक पाप कर्म करते हुए संसार में जीवन धारण किया ऐसे व्यक्तियों का जीवन अधिक कष्टमय होता है। अंतिम समय जब आता है श्वास का उद्धार उस समय गला घड़घड़ाने लगता है और लंबी लंबी सांसें चलती मृत्यु शैया में सुले हुए जीवन भर जैसे जैसे कर्म किया जो कुछ किया अंतिम समय आने पर वही चिंता करने लगते और बड़े दुखी होकर के निकल होकर के पड़े हुए हैं चारों ओर बंधु बांधव घिरे हुए रो रहे हैं असमर्थ है अकल जो बोल नहीं पाते केवल देख रहे हैं परंतु कुछ बाहर और निकलते नहीं कुछ बोल नहीं पाते। ऐसे समय में शरीर मन और वाणी से जो पाप कर्म किए हैं जब के तीनों दूध आते आ करके उनके गले में पंदा लगा करके उसके आत्मा को निकाल लेते हैं। शरीर से निकालते समय बड़ा कष्ट होता है जंतुना में छटपटाते हुए और बड़े भयंकर विकराल स्वरूप जमदूतों को देख करके एकदम घबरा जाता है डर जाता है। ऐसी स्थिति में जमदूत उसे पकड़ करके ले जाते हैं निरानब्बे हजार योजन पर दो मुहूर्त तीन मुहूर्त की स्थिति समय में ही खींच के ले जाते हैं जमलोक और जम वाले उसका डर ध्यान करते अनेकों प्रकार के नरक यातना है सूक्ष्म शरीर के द्वारा उन कष्टों को भोगते हुए दुखों को भोगते हुए जब कर्म की शुद्धि होती है फिर से ये संसार में आते हैं। जब जीव आते हैं तब आते समय ये बादल में मिल जाते हैं पानी में और वर्षा के कारण वर्षा के साथ में इस पानी में धरती में आ जाते हैं। लोग पानी पीते हैं प्राणी पानी पीते हैं तब उस पानी के साथ में आत्मा इस शरीर के अंदर में जाते हैं और फिर प्रकृति पुरुष के संयोग होने पर मातृ गर्भ में ये जीव का आधान होता है वहां जाकर के स्थित होता है। इस तरह से 15 दिन एक महीना करते करते जब 4 महीना होता है उसके सारा अवयव निकल करके आता है 7वां महीना होने पर उसको उस समय सेंस आता है ज्ञान होता है तो उस समय सैकड़ों जन्म का याद होता है कि अरे हमने कैसे कैसे कर्म किया तो मातृ गर्भ में रहता हुआ जीव छटपटाने लगता है और कोई जीव जो पहले जन्म में कभी भगवान का स्मरण किया है कोई साधु संतों की सेवा की है तुलसी की सेवा की है कोई सुकृति की है ऐसे व्यक्तियों को भगवान का स्मरण होता है प्रभु से प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़ करके स्तुति करते हैं कि प्रभु इस संसार में जा करके आपकी हम आराधना कर सके ऐसे हमें शक्ति दे माया में हम साधु संतों का संत हमें प्राप्त हो जाए प्रभु से प्रार्थना करते और जो जीव भगवान से विमुख है उनको भगवान का स्मरण नहीं छटपटाते मातृ गर्भ में 8वें महीना से लेकर के 10 महीना तक मातृ गर्भ में प्रसिद्ध वायु अपान वायु के द्वारा धन का प्राप्त हो करके
जब होता है संसार में जन्म हो जाता है। जन्म होने के साथ में रोने लगता है जो पहले का स्मरण का सब भूल गया और धीरे धीरे इस माया में आसक्त तो हो जाता है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भी लिखा है कीर्तन में कि जनक जननी स्नेह में भूल गया संसार लागी तो भागो आदर से सजने हसी आ गया और जनक जननी माता पिता के स्नेह प्यार में आ करके जीव भूल जाते। पूर्व स्मरण पहले का जो स्मरण था वो सब धीरे धीरे भूलते चले गए। जब तक बोलने की क्षमता आए बात शक्ति आए और बोलने सीखने लगे तब तक वो धीरे धीरे पीछे का सब भूलते चले गए। और संसार ने मन लगाया धन लगाया संसार में आविष्ट हुए सामने सामने जो कुछ वस्तु आया जैसे जैसे आया और उसी में आसक्त होते चले। इसी प्रकार यदि असत प्रसंग में दुष्टों के संग में असत प्रसंग में चला गया तो फिर से अनंत काल के लिए नरक यातना का भोग करते उससे रिहाई। इसलिए हे माता इस कर्ममय संसार जो है इस कर्म की गति जौन लोग और चंद्र लोग करें अधिक से अधिक पुण्य करें तो स्वर्गलोक तक पहुंच सकते परंतु पुण्य के समाप्त होने पर ठीक इसी धरती में आना पड़ेगा। इसलिए इस कर्म के द्वारा कभी संसार से निकल नहीं पाता। अतः एक मात्र भक्ति योग के द्वारा जो परम पुरुष भगवान की आराधना करते हैं तो उनकी आराधना करते हुए ये निकल जाते हैं और उनके चरणों में आए तो की भक्ति प्रेम को लाभ करते हैं। जो लोग दूसरे दूसरे देवी देवताओं की उपासना में इधर उधर में लग जाते हैं उनकी आराधना से कुछ भी नहीं हो पाता है केवल सांसारिक फल को लाभ होते इसलिए संसार से उद्धार नहीं हो पाते। भगवान कपिलदेव ने कहा हे माता जथा करोड़ मूल से चढ़ेगा त्रिपन तस्कंद भूयो पसाधा प्राणों पधारा जथेन्द्रिया नाम तथा सर्व पेड़ के जड़ में पानी डालो जड़ में पानी डालने से डालियों में पत्तों में सब हरा भरा हो जाता है सब में पानी पहुंच जाता है। कोई व्यक्ति ऐसा भी चाहे कि हम पेड़ के जड़ में भी पानी डाले और पत्तों को भी धुलाई करते सफाई करते उसमें भी पानी डाले भले ही डाले वो डालने से चलेगा कोई बात नहीं परंतु भोजन प्राणों पर हर अच्छे जथेन्द्रिया भोजन कहां देंगे भोजन तो सब शरीर में समझ थोड़ा थोड़ा करके बांटा नहीं जाएगा वह केवल मुख में ही दिया जाएगा। मुख में भोजन देने से समस्त प्राण सतेज होता है समस्त इंद्रियां सतेज हो जाती है नाक में कान में सिर पर हाथ में पैर में सब जगह नहीं बांटा जाएगा। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से सबकी पूजा हो जाती है उनकी आराधना करने पर सबकी आराधना हो जाती है। इसलिए हे माता एकांत रूप से मात्र भगवान श्री कृष्ण की आराधना हो उनकी भक्ति की जाए यही जीवन का एकमात्र साथ इस प्रकार भगवान कपिल देव जी माता देवी की कहते हुए हम सबके लिए एक बड़ा सुंदर उपदेश दिया है जो भक्ति योग के विषय में वर्णन किया है। इस प्रकार माता देवी थी भक्ति करते हुए भगवान में चित्त लगा कर आविष्ट हो गए और भगवत नृत्य को प्राप्त किया है तो हमें इस प्रकार भक्ति युग में ही प्रवेश करना है। मैं यही कहते हुए अपना भक्त वही करता हूँ। आप लोग इसको परम सत्य मानेंगे और ऐसे ही आचरण करने की चेष्टा करेंगे। ये मत समझिए ये मृत्यु के समय में जम के भूत आते हैं ये झूठ बात है परम सत्य बात है। भगवान की कृपा से आप लोगों को याद नहीं रहती पहले जन्म की या जन्म में जो कष्ट होता है आपको याद नहीं रहती वो तो जाति स्मर भक्ति थे उनको याद थी हम लोग भूल जाते हैं किंतु यह परम सत्य है इसलिए इनको झूठी बात मन करके और इसकी अवहेला मत करेंगे भगवान का भजन करेंगे। यह विषय बहुत गंभीर था
जीवों का क्या कर्तव्य है उसको सहज सहज हमें बतलाया, किंतु उसको धारण करना जरा गंभीर बात है। तो आपका दिमाग थक गया होगा, इसलिए कीर्तन करो तो मेरे तो गिरधर जय जय राधा रमन हरि बोल। Thank you.
अब आप लोग हमारे साथ में वृंदावन में आइए। यहां पर बतलाया सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज जी को ये उपदेश देने लगे, भागवत की कथा कहने लगे, जिसको हमारे ब्रह्मचारी जी ने आप लोगों को देवहूति का और कपिल देव और देवहूति माता का संवाद सुनाया। ये सुखदेव गोस्वामी जी के कौन थे, कैसे ये श्रीमद् भागवत का प्रकाश हुआ, थोड़ा सा इसके विषय में मैं निवेदन करना चाहता हूं। श्री सुक षष्ठी विभक्ति में श्री शब्द का श्रिया होता है। श्रिया माने श्री के द्वारा, श्री के अर्थात श्रीमती राधिका जी श्री हैं, समस्त लक्ष्मियों की लक्ष्मी हैं, उनका सुक। ये सुखदेव गोस्वामी केवल तोते ही नहीं हैं, उनके बड़े प्यारे हैं। श्रीमती जी सुख को अपने हाथों में बैठा करके और उसे दाना चुंगाती, उसे दूध और चावल अन्न उसे खिलाती और अनार के बीजों को उनको खिलाती और उनसे कहती, बोलो तो कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ठीक राधा जी के स्वरों में, हूबहू उन्हीं का अनुकरण करता हुआ उन्हीं के स्वर में वो बोलता कृष्ण कृष्ण कृष्ण, बड़े प्यार से उनको संभालती। किंतु एक दिन जाति के स्वभाव से उनके हाथों से उड़कर कहीं उड़ चला और पास ही में बरसाना के पास में नंदगांव है, दो अंगुल का अंतर है, ऐसे नंदगांव और बरसाना में करीब करीब 1.5-2 मील की दूरी होगी, किंतु दोनों की सीमा जुड़ी हुई है। पास ही में श्री कृष्ण मधुमंगल के साथ में एक कुंज में, तमाल कुंज में बैठे थे। वह सुख पक्षी उनके राधा जी के हाथों से उड़ करके और वहां पर पहुंचा और तमाल की एक सघन छाया में बैठकर वो इसी प्रकार से कहने लगा कृष्ण कृष्ण कृष्ण। कृष्ण ने देखा जी राधा जी कहां से ये बोल रही, कहां है श्रीया जी, मेरी प्रिया जी कहां है, देखने लगी, देखा जी कहीं नहीं। फिर उन्होंने देखा एक सुख पक्षी सघन हरियाली में पेड़ों की छाया पत्तों में छिपा हुआ और वो बड़े दुख के साथ में कर रहा है, वो कह रहा है कृष्ण कृष्ण और साथ ही साथ में ये भी कहने लगा ओह मैं दुर्भागा जाति से चंचल, ये श्रिया जी हमें अपने बाएं हाथे पर रख करके दाएं हाथ से बड़ी प्यार करती और मुझे दाना चुंगाती और कृष्ण कृष्ण ये बोलना सिखलाती और मैं उस समय में उनके स्वर में स्वर मिला करके बोलता था आह दुर्भागा मैं नमक हरामी मैं उनको छोड़कर के यहां पर कैसे चलाया होकर। और यही श्लोक बद्ध होकर के बड़े सुंदर रूप से राधा जी के स्वरों में ही वो गायन करने लगा। कृष्ण अरे ये तो सुख पक्षी है और राधा जी के समान बोलता है, ओ जरूर उन्हीं का सुख है, तो उसको बड़े प्यार से बुलाया। कृष्ण जी उसको बुलाए और न ऐसा कहीं हो सकता है, पशु पक्षी सबको आकर्षण करने वाले हैं, हिरण उसे हिरणी अपने पतियों को पीछे लेकर और कृष्ण से प्रणय की भिक्षा मांगती है, मयूर उनको देखकर के नृत्य करने लगते हैं और बांसुरी की आवाज पर नृत्य करते हैं, कोयल कुहुकने लगती है, सारी प्रकृति एकदम विभोर हो जाती है, कृष्ण के रंग में रंग जाती है, आकाश में मेघ छा जाते हैं, उन पर सुशीतल मानव बूंदे गिराने लगते हैं, बछड़े उनकी बंसी की ध्वनि सुनकर के एकदम चकित हो जाते हैं, मैया का दूध अभी गले में है वो नीचे ले जाते हैं ना ऊपर ले सकते, निगल नहीं पाते, बस कान को खड़ा करके सुन रहे, गायें चरना भूल गई, घास उनके मुख में ही रह गया और गायें जैसे कि तैसे चुपचाप कान को दोना बनाए हुए कृष्ण की बंसी रूपी अमृत ध्वनि का पान कर रही, भूल गई सब कुछ, भूल गई, एक टक से आंखों से आंसू टपक रहे
और कृष्ण भाव में तन्मय हो गई। ये कृष्ण ऐसे परम सुंदर है, एक बार यदि देख लिया जीवन में मन और कहीं नहीं जाएगा। तो ये सुख भला कृष्ण बुलाए और न जाए, बस बुलाते हैं जैसे ऐसे किया और बस वो आकर के उनके हाथों पर कंधे पर बैठ गए, वो सुख बैठ गया। कहा जी एक बार फिर से कहो तो क्या कह रहा था, फिर से बोलो एक बार प्रिया जी का नाम तो जो प्रिया जी ने सिखलाया वो बोलो तो राधा जी के स्वर में मधुर वाणी से, कृष्ण की तो मधुर वाणी है, उनकी मधुर वाणी है, किंतु राधा जी की मधुर वाणी सुनकर के कृष्ण अपने भी आत्म विस्मृत होते हैं, अपने को खो बैठते हैं, इतना उनका सुंदर मधुर स्वर। बस सुख ने ज्यों ही कृष्ण 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 कहा, कृष्ण तन्मय होकर कृष्ण बोले, ओ मैं दुर्भागा जाति से चंचल, उनके प्रिय हाथों से उड़ करके यहां पर कैसे आ गया, मेरा दुर्भाग्य है। कृष्ण ने कहा जब तुम मेरे पास रहो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बस उसको वही खाना खिलाने लगे, वो अनार का खिलाने लगे और दधी और अन्न उसको खिलाने लगे। इतने में दो सहेली आई राधा जी की, अरे कृष्ण ऐसा मत करो, ये सुख हमारी प्रिया जी का, उसका बिना तो एक मिनट नहीं रह सकती, जीवित नहीं रह सकती, तू लौटा दे, मैं इसको बांध कर रखा हूं, यदि तुम्हारी प्रिया जी का है और तुम्हारा है तो इसे ले जाओ, बुला लो तुम्हारे पास में चला जाए तो बस मैं मान लूंगा तुम्हारा है, ले जाओ। बहुत बुलाने की चेष्टा की वो सुख नहीं गया, वो बोली जैसे भला तुम्हारे यहां आकर के कोई लौट सकता है, यदि हाँ हमारी प्रिया जी आ गई तो झट एक क्षण में उसे बुला लेंगे, तो जाओ अपनी प्रिया जी को बुला लो, तुम्हारे प्रिया जी ऐसी नहीं है तैसी जो तुम्हारे पास में आए, आप उनके पास में जाओ, वो नहीं आएंगी तो सुख भी यदि ले जाना हो तो ले जाओ ना तो मैं नहीं देता। और सुख को इस तरह से करने लगे। वो दोनों ललिता विशाखा जी वहां से लौट करके मैया के यहां गई, यशोदा के यहां, मैया री ये हमारी सखी का ये सुख जो है वह ले लिया है, ये कृष्ण के पास में आ गया, वो देता नहीं है और उसके बिना तो हमारी प्रिया जी रह नहीं सकती हैं, इसलिए आप किसी प्रकार से दिलवा दीजिए। अच्छा अच्छा ठहर जाओ बैठ जाओ यहीं, अभी मैं लाता हूं। ये करके वो मधुमंगल के साथ में उस तोते के साथ में कृष्ण खेल रहे थे और उसे बार बार वही सब सुन रहे थे। यशोदा जी वहां झट गई और झपट करके उसको पकड़ लिया। दिन रात ऐसे पशुओं के साथ में खेलता रहेगा, बुद्धि नहीं अकल नहीं, स्नान करने का समय हो गया और यहाँ पशुओं के साथ में खेल रहा, बस झट ले आई और उनको पकड़ करके हाथ और ये जाओ जल्दी से स्नान करो, नंद बाबा तुम्हारे भूखे बैठे हैं तुम्हारे लिए, और तुम पशुओं के साथ में ऐसा खेलता रहेगा। कृष्ण कुछ नहीं कर सके, कृष्ण ये है कौन, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, समस्त भगवानों के भगवानों के भगवान के भी भगवान है, सब कारणों के कारण है, आदिराद गोविंदा सर्व कारण कारण, जितने भी अवतार हैं सबके कारण हैं, समस्त विश्व के जो सृष्टि करने वाले उनके भी मूल कारण के कारण हैं। वो प्रभु जी यशोदा जी के सामने हक्के बक्के रह गए, उनकी अकल कोई काम नहीं आई, ऐसी मैया यशोदा जी हैं, और लेकर के उनको दे दिया, वो लेकर के चली गई। ये जो सुख है राधा जी का प्यारी प्यारा और कृष्ण का भी प्यारा है। जब कृष्ण की लीला पूरी समाप्त हो गई, द्वारका की लीला भी पूरी समाप्त हो गई, उस समय में कृष्ण इस सुख से बोले देखो अब ये तुम यहीं पर हो, अब हम लोग अपनी लीला में जा रहे हैं गोलोक वृंदावन में, और तुम जगत में रह करके इस जो भागवत का उपदेश है, हमारा जो लीला चरित्र है, तुम जगत को देना, यही सूर्य के समान काम करेगा और पृथ्वी का यही रक्षा करेगा, इसलिए तुम्हारे ऊपर में हम छोड़ करके जाना चाहते हैं, जैसे रामचंद्र जी ने हनुमान के ऊपर में छोड़ करके चले गए, ऐसे ही इन पर छोड़ने लगे। पावर रोने घी आने लगे, प्रभु आपको छोड़ करके हम नहीं रह सकते, देखो ये भी तो एक कार्य है, हम लोग चले जाएंगे जगत अनाथ हो जाएगा, इसलिए आप रह करके भागवत को जगत में प्रकाश करेंगे, इसलिए जाते हैं, फिर समय आने पर आप हमारे पास में चले आएंगे, इसलिए सुखदेव जी को वहां पर छोड़ दिया। अब ये तो हुआ एक कल्प की बात, दूसरे कल्प में जब भगवान आने को है, इधर में कलिजुग समाप्त हुआ, कलिजुग आया द्वापर समाप्त हुआ, उसमें पृथ्वी पर चारों तरफ में भगवत भक्ति नष्ट हो गई, स्त्रियों का आभूषण केवल रह गया क्या, सिर के केश,
ब्रह्मचर्य के द्वारा उनका होठ लाल रहेगा नहीं, तरह तरह के रंगों को लेकर के होठ रंगती। पुरुषों में कोई पौरुष नहीं रहा, केवल ऊपर से जो गाल बजाया वही साधु बन गया, कोई भजन साधन नहीं। इस तरह से जब तक कि पति उसके अनुकूल है, कुछ देता है तो ठीक है, और नहीं तो उस पतियों को 10 बार 5 बार 20 बार 50 बार भी तलाक दे सकती है। आजकल आज हो रहा है ऐसा। अभी हमारी भारत की संस्कृति कुछ है जहां पर ये कुछ बचा हुआ है, जहां कुछ धर्म तत्व है। इसलिए ये सब जब कलयुग आने लगा, उस समय में परीक्षित महाराज जी को ये चीज हुई। उस समय सुखदेव गोस्वामी जी घूमने लगे जगत में, भगवान के अवतार के तहत घूमने लगे। कहां जाऊं प्रभु जी, चेर कहा हमको रहने के लिए, भागवत को प्रकाश करने के लिए। भागवत को कैसे प्रकाश किया जाए, बिना भगवत लीला कथा के वो रह नहीं सकते। घूमते घूमते जहां भगवान की कथा हो रही वहां पर जाएंगे। पहुंचते पहुंचते कैलाश में पहुंचे, वहां पर शंकर जी पार्वती जी को यही भगवान भागवत की कथाओं को श्रवण करा रहे हैं, वहां पर सुन रहे थे। पेड़ के ऊपर में बैठ गए और सुनने लगे। जाति के स्वभाव से यदि तत्व की बातें हो ना, थोड़ा सा तत्व की हम बातें करने लगे तो पहले महिलाएं घूम जाएंगी, सो जाएंगी, आलस्य आएगा, फिर ऐसे हाथ धरेंगे, फिर ऐसे करेंगे, और फिर जम्भाई आएगी, और फिर ऐसे हो जाएगी। पुरुष लोगों का भी आंखों में लाखा मन के पत्थर बैठ जाएंगे, वो आंख नहीं खुल सकेंगे। हरि कथा में ऐसे तत्व की बातें, इसलिए लीला कथाओं के माध्यम से कहने पर कुछ, और बीच बीच में ये एक चटनी दे दी जाती है कीर्तन की, तो जिससे कि लोग जरा ठीक रहते हैं, इसलिए ये कीर्तन हो रहा है। और बीच में सुंदर सुंदर मधुर मधुर कथाएं ये सब कह रहे हैं। तत्व की कहानी यदि कहने लगे तत्व की, बस एक मिनट में सभी सो जाएंगे। इसलिए पार्वती जी सो गई। जब सृष्टि का प्रकरण आया और कपिल देवहूति वाला संवाद आया तो धीरे धीरे वो सो गई। और सुख पक्षी जो तमाल वृक्ष के वहां पर पेड़ पर बैठा हुआ था, वो हुंकारी भरने लगा, हाँ बहुत ठीक, आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, हूं हूं। और किस रूप में, पार्वती जी के ठीक बोली में, वो वहां पर भी नकल कर लिया पार्वती जी की बोली और कहने लगा। शंकर जी सोचे जी हमारी प्रिया जी सो रहे जग रही हैं और बड़ी प्रेम के साथ में सुन रही हैं। जब भागवत शेष होने को आया, खत्म होने को आया, उस समय में हठात जग गई। जगने से बोली, अरे प्रिय मैं तो भागवत की कथा सुन नहीं सकी, मैं पहले स्कंद का थोड़ा सा मैंने सुना था, इसके बाद तो मैं कुछ सुनी नहीं, फिर से हमसे कहिए। तो सुना कौन, सुना कौन, तुम्ही तो हुंकारी भर रहे थे, नहीं मैं तो नहीं। शंकर जी ने देखा चारों तरफ में, खोजा कौन हुंकारी भर रहा था, खोजते खोजते कहीं नहीं लेगा, तो अंत में देखा जे पेड़ के ऊपर में घने पत्तों के हरियाली में छिपा हुआ वो सुख पक्षी बैठा हुआ है। अरे ये तो बड़ा अनाधिकारी, भागवत सुन लिया, अनाधिकारी को भागवत का नहीं श्रवण करना चाहिए, सुन लिया, अच्छा मैं इस अनाधिकारी को अपने त्रिशूल से जरूर मारूंगा। ऐसा कहकर शंकर जी उसका पीछा किया और वो भागा। वैसे केदारनाथ से वहां से कैलाश से बद्रीनारायण अधिक दूर नहीं है, किंतु पहाड़ की ऐसी चोटियां हैं जो जाने में एक महीने लग जाएंगे पैदल। हम लोग वहां पर गए हुए हैं, बहुत दूर से जाना पड़ता है, और यदि कोई उड़ने वाला हो तो झट पहुंच जाएगा, अधिक से अधिक 3-4 मील भी नहीं होगा। सुखदेव गोस्वामी उड़े और उनके पीछे पीछे शंकर जी त्रिशूल लेकर के चले। शंकर जी जिसका पीछा करते हो और वो बच सकता है भला, कामदेव भी जल करके भस्म हो गए मिनटों में, और ये त्रिशूल लेकर के चल रहे हैं। चलते चलते जब वो व्यास आश्रम में पहुंचा, वहां पर व्यास देव जी अपनी पत्नी गुटका जी को, बीटका जी को भगवान की यही लीला कथा सुना रहे हैं, भागवत की कथा सुना रहे थे, और वो आश्चर्यचकित होकर के इन कथाओं को मुख खोल करके आए, क्या हुआ, ऐसे खोल करके सुन रही थी, इतने में उनके मुख में वो प्रवेश कर गया, भीतर पेट में ही चला गया।
और एक दो वर्ष नहीं, बहुत दिन रहा। इधर में शंकर जी आए झट, अरे व्यास जी एक तोते को देखा ही है घर में उड़ता हुआ आया। अरे भोले शंकर जी, किस लिए आप उस सुख को ढूंढ रहे? तो मैं इसलिए को अनाधिकारी होकर के इस भागवत को जो पार्वती जैसे लोगों के लिए ही वो कहने लायक है, और इस पक्षी ने सुन लिया इसलिए उसको मारने के लिए दौड़ा हूं, मारने के लिए आए। अरे भोलेनाथ जी, भागवत सुनने का फल क्या होता है? वह अजर अमर हो जाता है। तो यदि अमर अजर हो गया ये सुख, तो आप उसको त्रिशूल से मारेंगे कैसे? तो शिव जी मुस्कुराने लगे और फिर व्यास जी से वंदना इत्यादि करके फिर लौट गए। वही सुख एक 12 वर्ष तक, या कोई कहता है 16 वर्ष तक अपनी मैया के गर्भ में रहे और पूरी भागवत वेद वेदांत उपनिषद भी सुने। और पहले के तो उनके सुख ही हैं, कुछ होने के बाद में व्यास जी बोले, आप कौन हैं महात्मा जी? अपनी मैया को कौन कष्ट दे रहे हैं? 12 वर्ष तक या 16 वर्ष तक आप इसी में रहे, आप जो हो निकल आइए। तो फिर तो सेवा जाए, मैं ऐसे नहीं निकलता। यदि माया संसार से हट जाए एक सेकंड के लिए तो मैं उसमें निकल सकता हूं, माया में मैं नहीं आ सकता है। अभी माया है। माया मैंने क्या? माया मैंने अशक्ति। मैं और मोर तोर तय माया, जो मैं नहीं हूं, मैं आत्मा हूं किंतु शरीर को मैंने मैं मान लिया और शरीर से संबंधित वस्तुओं को मान करके उसमें अशक्त हो रहे हैं, दिन रात उसी में और संसार में कोटि कोटि जन्मों से इसी में घूम रहे हैं, जैसे कि बच्चे ने बतलाया, जैसे कपिल देव जी ने बतलाया, याद नहीं रहती फिर उसी में, कभी स्वर होकर के आए, कभी गधे होकर के आए, न जाने फिर गधे और घोड़े होंगे कोई भी पता नहीं, मछली होंगे तो बंगाल की स्त्रियां या पश्चात देशों की स्त्रियां भी ऐसे ही जीवित अवस्था में ऐसे ही छुरी से रगड़ करके और जलते हुए तेल में डाल देंगे और उसको खा लेंगे। ऐसे ऐसे जन्म होंगे, फिर ऐसा मत सोचो जैसे मैं उनका खा रहा हूं, मीट मीट जिसको खा रहा हूं वो खाएंगे, मांस मांस खादती, जिसका मांस मैं खा रहा हूं वो जरूर खाएंगे, रिक्रिएशन जरूर होते होगा। इसलिए भाइयों भगवान का भजन करें। तो अब सुखदेव गोस्वामी जी बोले, जैसे मैं नहीं निकलता तो मैं माया को हटा देता हूं, आपकी बात पर मुझे विश्वास नहीं। किस पर विश्वास है? कृष्ण यदि स्वयं आकर के कहें तो हो सकता है। तो व्यास जी ने उसी समय में ध्यान किया भगवान का और कृष्ण वहां से पहुंचाए। कृष्ण ने कहा, जे तुम कौन हो भाई? उसे निकल आओ, माता के गर्भ में कष्ट मत दो। तो कृष्ण ने कहा, जे मैं ऐसे नहीं आता, यदि कृष्ण आकर के कहें स्वयं, जो माया को मैं हटा देता हूं, तो मैं निकलूंगा। कृष्ण कहा, जे मैं ही कृष्ण हूं, मेरी बात पर विश्वास करो और मैं माया को इतने देर के लिए हटाता हूं कि एक तलवार की पतली धार पर एक सरसों गिराया जाए तो जितनी देर तक वो ठहरेगा, कितना देर? एकदम नहीं, उतनी देर के लिए मैं हटाता हूं, बस निकलाओ। झाती साथ में उन्होंने माया को हटाया और साथ साथ में वो माता के गर्भ से निकले और उसी समय निकल पड़े करके वन में चलने लगे। जन प्रब्रजंतम अनुपेतम अपेत कृतम, उनका कोई संस्कार नहीं हुआ, नाड़ी छेदन भी नहीं हुआ, वो भी संस्कार भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ और घर छोड़ करके चले। कौन किसका माता, कौन किसका पुत्र, कौन किसका बेटा? सुखदेव गोस्वामी जी के पिताजी व्यास जी उनके पीछे पीछे दौड़े, हा बेटा हा बेटा, हा पुत्र हा पुत्र। सुखदेव गोस्वामी ने कोई उत्तर नहीं दिया, किंतु जंगल से प्रतिनिधि आए, प्रतिध्वनि आई, क्या? हा बेटा हा बेटा, माने क्या? कौन किसका पुत्र? ये मोह एव कारण, मोह है केवल। सभी प्रभु के दास हैं, भगवान का भजन नहीं किया, भगवान को भूला, इसलिए उनकी ये दुर्गति हो रही है, संसार में पुनः पुनः जन्म मरण कर। इसलिए उनके पीछे पीछे भगे और ये आगे आगे चले। कुछ थोड़ी देर के जाने के बाद में एक सुंदर सरोवर था, उस सरोवर में बहुत सी अश्वराएं नंगी होकर के स्नान कर रही थी। उस समय में सुखदेव गोस्वामी जी जा रहे हैं, 16 वर्ष के लड़के और नंग धड़ंग जा रहे हैं, उनको देख करके उनको कुछ नहीं हुआ, स्नान करती रही, खेलती रही, क्रीड़ा करती रही। किंतु जब व्यासदेव बूढ़े के बूढ़े, उनकी
लंबी लंबी सफेद दाढ़ियां और बहुत काफी उम्र वाले, उनको जब देखा तो वो झट उसमें से निकल आई और कपड़े पहन करके उनको दूर से प्रणाम किया। व्यास जी ने कहा, जी बड़े आश्चर्य की बात बेटियों, तुम हमारी बेटी की बेटी की बेटी के बेटी के बराबर हो और मैं इतना बूढ़ा हूं और तुम हमें देख करके सुखचा करके वस्त्रों को पहन करके हमें प्रणाम किया और हमारा बेटा 16 वर्ष का नौजवान तगड़ा और उसको देख करके तुम्हें लज्जा नहीं आई। उन्होंने कहा, जी ऋषि महर्षि जी आपको प्रणाम है, किंतु वो तो लकड़ी के समान, सुखी लकड़ी के समान चला गया हमारी तरफ में, देखा भी नहीं कि हम स्त्री हैं कि पुरुष हैं कि लकड़ी हैं कि घास हैं कि काठ हैं कि क्या हैं। और आप पूछ क्यों रहे, हमें आप स्त्री के रूप में देख रहे हैं, उतना तो स्त्री के रूप में देखा नहीं, इसलिए हम लोग ऐसा करें। आप पूछ रहे हैं, आपको होश है कि हम स्त्री है वो पुरुष है वो पुरुष है, उसको आत्मज्ञान सब समय है। ऐसे सुखदेव गोस्वामी जी इस कथा को कह रहे हैं, इसलिए कैसी कथा होगी, अनुभूत पूर्ण ये कह रहे हैं। सारे शास्त्रों का ज्ञान गागर में सागर की तरफ इस श्रीमद् भागवत में बैठा है। रामायण में जो आप चौपाइयां देखते हैं उसी भागवत का ये ट्रांसलेशन है, अनुवाद है। समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा तुलसीदास जी थे, इसलिए रामायण और महाभारत इसमें श्रीमद् भागवत में और विशेष अंतर नहीं है, केवल उपासना का तारतम्य है। इनके राम है और इनके कृष्ण है, किंतु दोनों भी एक है, इसको मैंने कल थोड़ा सा बतलाया था, आगे हम बतलाएंगे। आज यहीं तक अपनी कथा का हम विश्राम देते हैं, कल और भी आप लोग संख्या में आएंगे और इन चीजों को सुनने की चेष्टा करेंगे। कल और परसों हम लोग रहेंगे, इसके बाद में तो हम लोग भारत में चले जाएंगे। तो जो सुखदिमान व्यक्ति है, सौभाग्यवान जीव है, इनको सुनेंगे हम, इसकी दक्षिणा भी कुछ नहीं चाहते। आप लोग सुनिए, इसमें जो अच्छी बातें हैं उसको ग्रहण करने की चेष्टा करें। आज यही निवेदन करके हम लोग इसको समाप्त करते हैं, अभी कीर्तन के बाद में आरती होगी, आप लोग फिर जाए।
चार नौ क्वेश्चन रवि जी आपका बहुत